Assalamualaikum, good evening and welcome to our show, The Lockdown Chef, with me Furqan, आपका host, आपका chef for the evening. आज का हमारा show जो है ना वो बहुत interesting है. But उस पर आगे बढ़ने से पहले I would like to thank everyone जिन्होंने हमें emails की, क्योंकि हमें बहुत सारी emails आई हैं. हमें काफ़ी suggestions आई हैं, काफ़ी requests आई हैं, हमें लोगों ने बहुत appreciate किया है, काफ़ी feedbacks दी हैं. So thank you so much. और प्लीज़ कंटिन्यू रखें, अपनी ईमेल्स करते रहना, हमें सजेशन देते रहें, क्योंकि हम आपको और मज़े मज़े की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताते रहेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर वही चीज़ जो मैंने पहले एपिसोड में कही थी मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, और ये मैं हर एपिसोड में कहता रहूँगा कि प्लीज़ 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 घर पर रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखें, आस पास लोगों का ख्याल रखें, अपने आप को साफ़ रखें, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कपड़े साफ़ रखें, अपने आप को सैनिटाइज़ रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये करेंगे ना उतनी जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा. सो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो होगा एक रिक्वेस्ट पे. हमें एक रिक्वेस्ट आई है मिसेस नाइला की, जिन्होंने हमें कहा है कि रमज़ान है और गर्मी है तो कोई ऐसे कॉकटेल, कोई ऐसी ड्रिंक बताएं जो ज़रा अच्छा हो, ज़रा सूदिंग हो, ज़रा ठंडक दे थोड़ी सी. तो हमारा पहला ड्रिंक होगा एक वाटरमेलन मॉकटेल, ठीक है. उसके साथ साथ हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो होगी अबाउट चाइनीज स्टिकी विंग्स, ठीक है, अ बिट स्पाइसी, अ बिट स्टिकी, ठीक है ना, बहुत मज़े की रेसिपी है. और इसके साथ साथ मैं आपको एक साइड भी बताऊंगा जो हम स्टिकी विंग्स के साथ बनाएंगे, जो होगी एक कोल्सलॉ, वाइट कैबेज, पर्पल कैबेज, एप्पल्स, रेजिन्स, ठीक है, एक बहुत ही मज़े की कोल्सलॉ होगी, अ बिट डिफरेंट देन योर जनरल कोल्सलॉ. तो चलते हैं हम अपनी पहली डिश की तरफ जो है वाटरमेलन मॉकटेल. हमें एक्चुअली काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, लोग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स हैं जो हमें रिक्वेस्ट करें कि आप इसका कुछ बनाना सिखा दें, उसका कुछ बनाना सिखा दें. बट द रीज़न जो मैंने आज ये चूज़ की है वाटरमेलन, क्योंकि एक तो वाटरमेलन सीज़न में है तो वैसे बहुत अच्छी बात है, और वाटरमेलन एक बहुत, और गर्मियाँ भी हैं तो इसलिए वाटरमेलन एक बहुत सूदिंग सी चीज़ होती है, ठंडक देता है, अच्छा होता है खाने में, मज़ा आता है. तो सीज़न के लिहाज से वाटरमेलन मॉकटेल एक बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगा. तो चलते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ. हमें चाहिए होगा एक वाटरमेलन ऑब्वियसली, ठीक है, हमें चाहिए है काला नमक और हिमालयन ब्लैक सॉल्ट जिसको इसको कहते हैं, मीन सम सॉल्ट, सम लेमन जूस, सम शुगर सिरप, सम जिंजर जूस, तुखमलंगा और बेजल सीड्स, लेमन एंड सम मिंट. और हमें चाहिए है, आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट ख्याल रखिएगा क्योंकि उनमें शुगर होती है, तो अपनी शुगर को और रेसिपी को उस लिहाज से एडजस्ट कर लें. सो बिफोर हम ये ड्रिंक बनाएं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि और जिन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, ईमेल भेजनी है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं @thelockdownchef@ltnworld.com. और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज एट द सेम नेम, LTN फैमिली. सो लेट्स सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ. अब हम चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की तरफ जो है वाटरमेलन मॉकटेल. तो वाटरमेलन के बारे में कुछ आपको बताता चलूँ कि कैसे पता लगेगा कि जी वाटरमेलन जो है वो अच्छा है, फ्रेश है, जूसी है, स्वीट है अंदर से. ये कुछ टिप्स है जो हमें हमारी दादी नानियाँ भी हमें बताते रहते हैं घर पे, और एज अ शेफ़ भी हमें पता लगता है कि अगर आपको पता लग करना है कि वाटरमेलन स्वीट है तो यू टैप ऑन इट, ठीक है. अगर आपको एक हॉलो साउंड आ रही है ना तो इट्स ऑलमोस्ट 70-80% के जो वाटरमेलन होगा ना वो स्वीट होगा, इट वुड बी रेड इनसाइड. एक ये, और दूसरा लोग जो करते हैं ना वो ये है कि लोग देखते हैं कि जो वाटरमेलन पे दाग लगे हुए हैं, ये लगे हुए, हम ये नहीं लेंगे, हमें एक साफ तरबूज चाहिए, ये मत करें. यूजली होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना जिनके ऊपर ऐसे मार्क्स लगे होते हैं, कुछ इस तरह के मार्क्स लगे होते हैं, वो कहते ही हैं कि जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बीज या कोई भी बीज, वो उन्होंने उसके ऊपर पिक किया होता है. सो इफ़ हनी बीज सिट्स ऑन अ वाटरमेलन एनी फ्रूट, इट टेंड्स टू बी मोर स्वीट, तो इसलिए ये मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है. तो चलते हैं आप इसको बनाने की तरफ. ठीक है वाटरमेलन, ठीक है, इसको स्लाइस कर लेंगे. और जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट रेड इनसाइड, तो इसका मतलब हमारा वाटरमेलन जो है वो काफ़ी अच्छा है, इट स्मेल्स क्वाइट स्वीट. सो लेट्स जस्ट कट इट अप. हम एक चंक साइड पर रख देते हैं, इसको अब हम हाफ में काटते हैं. ठीक है, इसको भी काट लेते हैं. ठीक है, इसको हम साइड पर रखते हैं. लेट्स जस्ट पील दिस ऑफ. यहाँ पे आ गया, इसको फेंक देते हैं. अच्छा, सीड्स की टेंशन मत लें, ठीक है ना, आपके हम सीड्स निकालेंगे. वो आप ये कर सकते हैं कि जब अपने आप इसको ब्लेंड करेंगे
तो आप ब्लेंड करते हुए भी इसको बाद में ड्रिंक में डालते हुए आपको सिर्व कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इट्स नॉट एन इशू। एक्चुअली सीड्स कुछ नहीं कहते, आप खाते भी वाटरमेलन तब भी सीड्स आ जाते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। आई थिंक दैट मच वाटरमेलन वुड बी इनफ। ये जो वाइट पार्ट्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा हम ट्रिम ऑफ कर लेंगे क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच फ्लेवर और ये थोड़े से ना ब्लैंड होते हैं। ब्लैंड मतलब कि दे डोंट हैव मच टेस्ट एक्चुअली। सो लेट्स जस्ट ट्रिम दिस ऑफ और अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि हमारे लिए ब्लेंड करना इसको काफ़ी आसान हो। ठीक है, ये हमारा वाटरमेलन जो है वो कट चुका है, हम इस वाले को साइड पर रख देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए एक ब्लेंडर, ठीक है, और एक कप जिसमें हम इसको ब्लेंड कर सकेंगे। तो लेट्स जस्ट टेक अ ब्लेंडर, हम एक हैंड ब्लेंडर लेंगे। ठीक है, विल जस्ट प्लग इट इन और हम एक कप ले लेंगे। ठीक है, जिसमें अपना सारा वाटरमेलन जो है हम ये डाल लेंगे अकॉर्डिंग टू यू कि आपने कितने लोगों के लिए ड्रिंक बना रहे हैं। आप एक के लिए बना रहे हैं, हम एक्चुअली बस दो ग्लासेस बनाएंगे, तो आई थिंक इतना वाटरमेलन बहुत होगा। सो हम ऐसा करते हैं कि हम एक बाउल निकालते हैं ताकि हम ये जो एक्स्ट्रा वाटरमेलन है इसको इसमें डाल दें और हमारा जो कटिंग बोर्ड है वो क्लियर हो जाएगा और हमारे लिए काम करना जो है वो थोड़ा इजी होगा। और आप साथ साथ सफाई करते रहें ताकि आपको बाद में ना इशू ना हो सफाई करने का, क्योंकि जितना गंद ज़्यादा बन जाएगा फिर एंड में सफाई करने का दिल नहीं करता। सो लेट्स जस्ट क्लीन अप अ कटिंग बोर्ड, हमने कटिंग बोर्ड साफ कर लेते हैं और टेंशन ना ले, मैं ज़मीन पे नहीं फेंक रहा हूँ, नीचे एक डस्टबिन पड़ी हुई है, मैं उसके अंदर साथ साथ डाली जा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये हमारे वाटरमेलन है, इसके अंदर हमने हमें डालना है थोड़ा सा लेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो है, लेमन जूस ये करेगा कि इसकी ना जो स्वीटनेस है ना उसको थोड़ा कट डाउन करेगा। ठीक है, और अब हम लेंगे थोड़ा सा जिंजर, जिंजर जूस। जिंजर भी जो है क्योंकि गर्मियाँ हैं और हम ये रमज़ान की ड्रिंक है, तो जिंजर जो है ना वो एक बहुत सूदर है, वो आपको एक बहुत ही अच्छी फील देगा। ठीक है, थोड़ा सा शुगर सिरप भी डाल लेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर आपने नहीं डालना तो आप मत डालें। ठीक है, सॉल्ट मैंने हल्का सा डालूंगा क्योंकि मैंने काला नमक डाला है, तो अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट वुड बी इनफ। ठीक है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। सो लेट्स जस्ट ब्लेंड इट। जो जूस है वो बेहतरीन तरीके से ब्लेंड हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको साइड पर रख देते हैं, एक्चुअली उसको वापस उठा के नीचे रख देते हैं। अब हम लेंगे अपना ग्लास, ठीक है, जिसमें हमने इनको डालना है। ठीक है, थोड़ी सी आइस चाहिए हमें। आप आइस नहीं डालना चाहते, आप आइस बेशक ना डालें, लेकिन ड्रिंक शुड बी कोल्ड, तो टू आइस क्यूब्स पर ग्लास और दैट विल बी मोर देन इनफ। अपना जो ड्रिंक है वो उसमें डालेंगे। और अब हम इसको टॉप कर देंगे विद कार्बोनेट सोडा और बिग और जो सोडा वाटर की, आप कुछ भी आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक डालना चाहते हैं आप उससे टॉप कर दें। ठीक है, ये है, अब हम इसका फाइनल गार्निश करेंगे। और ठीक है, और गार्निश के बाद आवर ड्रिंक वुड बी रेडी, बट उससे पहले लेट्स जस्ट क्लीन आवर बोर्ड अगेन। ठीक है, हम बोर्ड दोबारा साफ कर लेते हैं, क्लीन हो गया है। टेक सम लेमन, इसके हम राउंड स्लाइसेस काट लेंगे। इसके ऊपर दो स्लाइसेस हैं, एक कट लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इधर, आ जाएगा इधर। ठीक है,
और अब हम थोड़ा सा मिंट डाल देते हैं, बिकॉज मिंट इज ऑलवेज गुड विद एनी ड्रिंक. और ये है हमारा वाटरमेलन मॉकटेल. गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है. ठीक है, एक चीज़ सॉरी जो मैं भूल गया वो ये है कि आप हम इसमें कुछ बेसिल सीड डालेंगे. तो बेसिल सीड जो है वो अपनी मर्ज़ी से, जितना अगर आपने डालना है आप डाल दें, ठीक है, आपने नहीं डालना है आप ना डालें. बट बेसिल सीड जो है तुखमलंगा बेसिकली वो गर्मियों में ना, आप गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है. रमज़ान है, रोज़ा रख के ना आपकी बॉडी में बहुत हीट होती है, क्योंकि आप पूरा दिन कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तो ना काफ़ी हीट होती है बॉडी के अंदर. जो तुखमलंगा है ना, वो जो हीट है ना उसको कट डाउन करेगा. तो अगर आप अफ्तारी के वक्त पियेंगे ड्रिंक, तो इट वुड बी अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे. सो हियर यू गो, दिस इज़ आवर वाटरमेलन मॉकटेल. अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली डिश क्या होगी. हमारी अगली डिश जो है दैट वुड बी स्टिकी स्पाइसी चाइनीज़ विंग्स. ठीक है, तो मैं आपको ब्रेक के बाद आके वो भी बनाना सिखाऊंगा. बट लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक. सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ. अब हम चलते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ, हमारा मेन कोर्स जो है चाइनीज स्टिकी विंग्स. ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमें इंग्रेडिएंट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी. तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट वील नीड फॉर द डिश वुड बी ओरिगानो, सॉल्ट, पेपरिका, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक, लेमन, अ बिट ऑफ पेपर, ऑलिव ऑयल एंड ऑब्वियसली चिकन विंग्स. ठीक है, तो हमने सबसे पहले करना है, वी हैव टू मैरिनेट आवर चिकन विंग्स. ठीक है, तो चिकन विंग्स ले लेते हैं एक बाउल के अंदर. ठीक है, और कोशिश करें कि जो आप चिकन विंग्स ले रहे हैं वो विद स्किन हो. स्किन के साथ होता ही है कि विंग्स आपके अच्छी तरह से पकते हैं. ठीक है ना, और स्किन जब पकती है इट गिव्स यू वेरी नाइस क्रिस्पी टेक्सचर, जो बहुत मज़े का होता है खाने में, बहुत मज़ा आता है. एंड इट प्रोटेक्ट्स द मीट इनसाइड, तो आपको जो मीट होता है ना जो आप पकाते हैं वो ड्राई आउट नहीं होता. तो हम चिकन विंग्स ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ओरिगानो. ठीक है, अ बिट ऑफ सॉल्ट. थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है. अच्छा, और यूजली एक टिप है, यूजली होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो सॉल्ट होता है ना, इट ड्रॉज द सॉल्ट आउट. तो आप जब कुछ फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा, अगर आप आधा चम्मच सॉल्ट डाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें और सॉल्ट डाल दें, तो जो सॉल्ट होगा ना वो कम नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे पेपरिका. अगेन, कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, इट्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट. अगर आपने ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाले हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी कर लें, अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा कम चिली फ्लेक्स डाल दें. ठीक है, ये हो गया, इसको हम थोड़ा साइड पर रखते हैं. ठीक है, अब हम लेते हैं, पहले हम लेते हैं गार्लिक. फिर हमने गार्लिक को चॉप करना है. ठीक है, तो अपने गार्लिक को फाइन चॉप करेंगे. ठीक है ना, और हम कोशिश करेंगे इसको एक हम पेस्ट बना लें. अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने एक गार्लिक पेस्ट बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि विदाउट ब्लेंडर या विदाउट किसी चीज़ आपने एक पेस्ट किस तरह बनानी है गार्लिक की. अच्छा, मैं यूजली अपनी रेसिपीज में ना थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक डालता हूँ, बिकॉज मुझे गार्लिक बहुत पसंद है. तो गार्लिक जो होता है ना एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बड़ा एक्स्ट्रा टेक्स्चर देता है. तो इसको हम थोड़ा चॉप कर लेंगे. ठीक है, अब चॉप करने के बाद, ठीक है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज इट विल ड्रॉ आउट द वाटर फ्रॉम द गार्लिक, और आपको ना प्यूरे बनाने में बहुत ईजी होगा. ठीक है, बस मूव योर नाइफ अलॉन्ग विद इट. ठीक है ना, अपनी नाइफ को साथ साथ प्रेस डाउन करते रहें गार्लिक में. अगर आप देख सकते हैं तो ऑलरेडी जो लिक्विड है वो बाहर आना शुरू हो गया, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. अगर आप ये सॉल्ट के बगैर करेंगे तो यकीन माने आपको बहुत टाइम लगेगा इसकी प्यूरी बनाने में, या वरना आपके पास ब्लेंडर है तो काफ़ी सारा गार्लिक प्यूरी जो है वो बना के रख लें अपने. हम यूजली हमारे घरों में गार्लिक जिंजर प्यूरी दोनों पड़ा होता है, बट आपको किसी रेसिपी में जिंजर की ज़रूरत नहीं होती, आप यू जस्ट नीड गार्लिक. तो आप अलग अलग बना के रख लें दोनों, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इट्स डजंट एक्चुअली टेक्स यू अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस.
सो ये जो है हमारी प्यूरी, आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट प्यूरेड। सो गार्लिक प्यूरी डालेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे लेमन, ठीक है। लेमन हमने हाफ कर लिया, ये वापस कर सकते हैं। आई विल जस्ट स्क्वीज अ लिटिल बिट ऑफ लेमन ऑन टॉप ऑफ इट, बिकॉज हमने इसके अंदर स्पाइस डाला है, तो लेमन जो अगर विल कट डाउन ऑन द स्पाइस, ठीक है। और हाथ साफ कर लेते हैं, और अब डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एंड दैट्स इट। अब यू नीड, व्हाट यू नीड टू डू इज गेट योर हैंड्स इन देयर और स्टार्ट मसाजिंग इट। आपने ये कोशिश करनी है कि हर विंग पे अच्छा खासा जो है सारा मैरिनेशन लग जाए। अब हम अपने हाथ साफ करेंगे, जिस नीड अ पेपर टॉवल। एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड, जो हमने डाली नहीं अभी तक, वो है ऑलिव ऑयल। सो आफ्टर दिस ऑलिव ऑयल लेंगे, टेक अ स्पून, ठीक है। और टू टेबल स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल डाल लेंगे। तो ये हमारे जो चिकन विंग्स हैं, इफ यू कैन सी, हमारे चिकन विंग्स मैरिनेट हो रहे हैं। तो आपको इसको मैरिनेट करना है अबाउट फॉर एन आवर टू ओवरनाइट, इट डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतने स्पाइसी उसके अंदर और घुसेंगे। और एक और टिप, डोंट कट द चिकन, ठीक है। हम करते ही हैं कि हम कभी कभी ना चिकन को काट लेते हैं, ठीक है, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा अंदर ज़रा ज़्यादा जाएँ उसके, बट हर रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है। सो अब हम रखेंगे इनको मैरिनेशन के लिए ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, ठीक है ना। इनको साइड पर रख देते हैं मैरिनेशन के लिए, एंड लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको सिखाएंगे कि इसकी सॉस किस तरह बनाएंगे, जिसमें आप इनको टॉस करेंगे, दैट स्टिकी सॉस जो बहुत मज़ा आएगा, चाइनीज स्पाइस सॉस। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एंड आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ। तो ब्रेक के जाने से पहले हमने क्या किया था, हमने अपने जो चिकन विंग्स थे उनको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने उनको फ्राई करना है। सो हम अपने चिकन विंग्स लेंगे, ठीक है ना। हम लेंगे मैदा, ठीक है ना। हम इनको मैदे में टॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैदा क्या करता है बेसिकली, ठीक है ना, अगर आप कभी भी कोई चिकन फ्राई कर रहे हैं, आप किसी पाकिस्तानी डिश के लिए भी चिकन फ्राई कर रहे हैं, आप कुछ भी बनाने लगे हैं, तो उसको हल्का सा मैदा लगा लें। मैदा ये करेगा कि उसको ना क्रिस्पीनेस देगा, ठीक है। जो क्रिस्पीनेस होगी ना, जब आप वो खाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपके किसी भी रेसिपी में, किसी भी डिश के अंदर। ये बहुत अच्छी कोटिंग हो रही है, जब फ्राई होगा तो एक बहुत अच्छा कलर भी आएगा, और जब आप टॉस करोगे तो एक बड़ी अच्छी क्रिस्पीनेस आएगी, क्योंकि इसके ऊपर स्किन भी है, तो स्किन भी क्रिस्पी हो रहेगी। अंदर से जो आपका चिकन है ना, बेसिकली वो भी जूसी रहेगा। तो जो अंदर का जितना फ्लेवर होता है ना चिकन का, ठीक है ना, वो फ्लावर और स्किन उसको होल्ड करके रखेगी, इट वॉन्ट ड्रेन आउट। तो आपका स्किन जो है ना काफ़ी मॉइस्ट रहेगा, तो वो जो आप ड्राई चिकन खाते हैं ना, तो अच्छा ही लगता, वो नहीं होगा एक्चुअली इसके साथ। ये कोट हो गए हैं, ठीक है। इसको हम अपने ज़रा हाथ साफ कर लेते हैं थोड़े से, हम इसको साइड पे रख देते हैं, और हम इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारे चिकन विंग्स जो कोट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, पैन ऑन करेंगे, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है अब, तो आपने थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल लें, एक अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमारे चिकन विंग्स रेडी हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो सॉस हमने बनानी है इसके साथ, जिसमें हम उसको टॉस करेंगे, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो सॉस के लिए आपको चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चिकन पाउडर, टोमेटो गार्लिक सॉस, और ये है ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, गार्लिक, लेमन जूस, जिंजर, शुगर एंड अनियन, ठीक है। तो जब तक ये चिकन विंग्स का ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, हम इनको साइड पर रखते हैं, और तब तक हम अपनी सॉस के लिए जो है वो गार्लिक और अनियन को पील और चॉप कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनियन। अच्छा, इसको आपने फाइन चॉप करना है, ठीक है। मैं अब बस अपने हाथ साफ कर लूँ, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा ही लग रहा, ठीक है। और हमें जो सारा एक्सेस है, ये सारा एक ट्रैश कैन में फेंक देते हैं, ये अपना टिप काट देते हैं, जस्ट चॉप इट।
अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो नाइफ हो ना, आप कुछ भी काट रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, तो आपकी नाइफ शार्प होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स जो किचन में होते हैं ना, कि यार हाथ कट गया या ये हो गया वो हो गया, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी नाइफ शार्प नहीं है। इसलिए नहीं होते हैं कि आपकी नाइफ तेज़ है तो आपकी उंगली कट गई, नहीं, आपकी नाइफ तेज़ नहीं है इसलिए आपकी उंगली कटती है। अपने ऑयल को साथ साथ देखते रहें कि ऑयल जो है वो जले मत, तो अपनी हीट जो है उसके साथ साथ कंट्रोल करते रहें। लेट्स जस्ट चॉप इट फाइनली, क्योंकि सॉस में जाएंगे, सो आई वांट कि ये जो है वो ये ज़रा जल्दी डिसॉल्व हो जाएं, ठीक है। आई थिंक दैट मच अनियन वुड बी इनफ फॉर द सॉस। और अपना हम अब गार्लिक ले लेते हैं। आई थिंक वन क्लोव वुड बी इनफ फॉर दिस मेनी गार्लिक, दिस मच विंग्स, ठीक है, ये रखते हैं। अच्छा, इसको आपको प्यूरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना ही, इस तरह ही काफ़ी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी गार्लिक डाला हुआ है अपने चिकन विंग्स के अंदर। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर के आई लव गार्लिक। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, जस्ट टू चेक कि हमारा तेल गर्म है, वी विल जस्ट पुट अ लिटिल ऑफ फ्लावर। यस, हमारा ऑयल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ थोड़ी पीछे कर देते हैं, अपने विंग्स पकड़ेंगे वापस, ठीक है ना, एंड वी विल पुट देम इन द ऑयल। अच्छा, एक और टिप, जब भी आप कुछ फ्राई करने के लिए डालें ना, तो आप देखते हैं कि आप डालते हैं तो एकदम से ऑयल उड़ता है, ठीक है ना, तो पुट इट अवे फ्रॉम यू, ठीक है। जैसा मैं डाल रहा हूँ ना, मैं उसको अपनी तरफ नहीं डाल रहा, मैं दूसरी तरफ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑयल अगर उड़ेगा भी तो वो उस साइड पे उड़ेगा, वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और कुछ भी फ्राई करते हुए ना, आपने ये करना है कि डोंट ओवर क्राउड योर पैन, ठीक है ना। ओवर क्राउड करने से क्या होगा, जो चीज़ कुछ भी होगी जो फ्राई कर रहे होंगे ना, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यू इफ यू आर फ्राइंग समथिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग दैट इज बॉइल्ड। सो जितने आते हैं पैन में उतने डालें, उससे ज़्यादा डालने की कोशिश मत करें कि सारे डाल दो इकट्ठे, सारे इकट्ठे फ्राई हो जाएंगे, डोंट डू दैट। अपने हाथ साफ कर लेते हैं, ठीक है, एंड कीप ऑन चेकिंग देम। क्या करेंगे, क्योंकि से एक अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, बट आई वुड लव टू हैव मोर कलर, सो तो मैं इनको और थोड़ा सा फ्राई करूँगा। तब तक हम क्या करते हैं, हम अपनी इस प्लेट को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हम चिकन विंग इसी साइड पे निकालते रहेंगे जो फ्राई हो जाएंगे। अपनी जो हीट है फ्राई करते हैं उसको थोड़ा लो पे रखें, बट उसको कंट्रोल करते रहें। आपको बिल्कुल भी एंड पे हीट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि वो साथ, अब देखते हैं वो बबल्स आते जो रहेंगे ना, आपको बताता रहेगा कि जो आपके विंग्स हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। तो कीप ऑन कंट्रोलिंग योर हीट। लाइक आई सेड बिफोर, अपने पहले एपिसोड में मैंने कहा था, मैं थ्रू आउट कहता रहूँगा कि जो कुकिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट फील, इट्स नॉट अ फिक्स रेसिपी कि जी अगर रेसिपी में लिखा है कि जी आधा चम्मच नमक है तो मैंने आधा चम्मच घी डालना है, नहीं यार, फील से चलो, अपना जो दिल कर रहा है उससे करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने खानी है, तो अगर आपको अच्छी लगेगी ना तो बाकियों को भी अच्छी लगेगी, अगर आपको अच्छी लगेगी तो फिर किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। सो गो विद द फील, ऑलवेज गो विद द फील। और क्योंकि आपने जो चिकन विंग्स हैं उनको पकाना भी है कि आपका जो चिकन है वो कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑयल है ना उसकी हीट को कंट्रोल करते रहें। तो अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो स्किन होगी या जो कलर होगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, बट आपके विंग्स कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसको सॉस बना के सिर्फ उसमें टॉस करना है, हमने उसको फुली तरीके से हमने पकाना नहीं है सॉस के अंदर, जैसे हम टॉस इट। तो जब तक हमारे चिकन विंग्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक से आएंगे, मैं आपको सॉस बनाना सिखाऊंगा और हमारे विंग्स रेडी हो चुके होंगे। सो आई सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो द लॉकडाउन शेफ।
ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो चिकन विंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। बाकी भी जो पहले तो हमने काफ़ी कुछ कर लिए थे इनको हम निकालेंगे। वी जस्ट ड्रेन देम ऑन अ पेपर टॉवल ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन ऑफ हो जाए। तो एज यू कैन सी जो कलर है ना वो बहुत ही मज़े का एक अच्छा गोल्डन से कलर है, एंड दैट्स बिकॉज हमने उसके ऊपर फ्लावर लगाया है। फ्लावर लगाने से आपने देखा हल्की सी क्रिस्पीनेस भी आई है और कलर भी बहुत अच्छा निकला है। अब हम इस पैन को साइड पे कर देते हैं, रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम बना चलते हैं सॉस की तरफ, ठीक है। हम इसकी थोड़ी हीट और कर लेते हैं। अच्छा, सॉस के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हमारा जो पहला स्टेप है हम इसके अंदर डालते हैं अनियंस, ठीक है, और हम डाल देंगे साथ ही गार्लिक, ठीक है। ये हमारा अनियन और गार्लिक जो है ये सौते हो रहा है, हम एक ले लेते हैं। हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। इसके अंदर आपने डालनी है ऑयस्टर सॉस, ठीक है, इसमें ऑयस्टर सॉस डाल लेंगे, ठीक है। इसमें डालेंगे थोड़ी सोया सॉस, ठीक है, फिर गार्लिक केचप, ठीक है। हम जिंजर अब डालेंगे, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी हीट कंट्रोल करते रहें, ठीक है, साथ साथ में ये साफ कर लेता हूँ। और साथ साथ आप थोड़ा पानी डालते हैं अगर आपको लगे कि सॉस थोड़ी ज़्यादा थिक हो रही है, सो यू कैन कीप ऑन एडिंग अ बिट ऑफ वाटर। ये हमारी सॉस थोड़ी देर पकेगी ताकि थोड़ी थिक हो जाए। इसमें हम साथ डाल देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, अगेन अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा चिकन पाउडर डालना है आपने तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, बट लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जो सॉस है ना उसको टेस्ट करते रहें। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगा शुगर, जब तक शुगर डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि आपने शुगर को डिसॉल्व होने का थोड़ा सा टाइम देना है। मैं थोड़ी सी शुगर और ऐड करूंगा इसमें, और अब हम इसको देंगे एक फाइनल स्क्वीज लेमन का, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी सॉस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने क्या करना है, हम अपने चिकन विंग्स लेंगे, ठीक है ना, एंड वी विल जस्ट टॉस देम अराउंड इन द सॉस। बस बस उसको टॉस कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और @thelockdownchef@ltnworld.com। और ऑल्सो अगर आप हमारी पुरानी रेसिपीज देखना चाहते हैं जो हमने पिछले एपिसोड में बनाई हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आपने इस विंग्स को ना, क्योंकि विंग्स पके हुए हैं तो आपने विंग्स को नहीं पकाना। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने थोड़ी देर इनको सिर्फ सॉस में रखना है ताकि जो
सारा जो हमने मिक्सचर बनाया है वो सारा उसको कोट हो जाए विंग्स के ऊपर. सो एज यू कैन सी हमारे जो विंग्स हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं. अब हम क्या करेंगे, हम इसको साइड पर रखते हैं. अब आखिरी टाइम है सिर्फ उसको सर्व करने का. तो हम एक डिश ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसको डिश में निकाल लेंगे. ठीक है, हमारे विंग्स हो गए हैं रेडी. As you can see, जो सॉस है उसने विंग्स को बहुत अच्छी तरह से कोट कर लिया है. हमारे सॉस रेडी हो गई, हमारे विंग्स रेडी हो गए हैं. थोड़ी सी सलाद मैंने काटी हुई थी एज अ गार्निश. हम साइड पे थोड़ी सैलड रख देंगे. एंड वील जस्ट पोर सम सेसमी ऑन द टॉप. ठीक है, हम इस चम्मच को साइड पर रख देते हैं. ये हमारे स्पाइसी चाइनीज टिक्की विंग्स जो हैं वो रेडी हैं. अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आके मैं आपको बताऊंगा कि जो कोल्सलॉ थी जो हमारी साइड डिशेस के साथ वो कैसे बनाते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि कोल्सलॉ बहुत मज़े की होगी. सो आई सी यू आफ्टर अ ब्रेक. So welcome back from the break to our show, The Lockdown Chef. अब हम चलते हैं हमारी साइड की तरफ जो थी एक कोल्सलॉ. ठीक है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं मैं आपको वो बताता चलूं. इसके लिए हमें चाहिए आइसिंग शुगर, रेजिन्स, सॉल्ट, मेयोनेज, वाइट कैबेज, पर्पल कैबेज, कैरेट, एप्पल एंड अ बिट ऑफ ऑरेंज. ठीक है, तो हम पहले अपना जो कैरेट है उसको पील कर लेते हैं. कैरेट जो है ये पील हो चुकी है. हम ये सब चीज़ें जो है एक ट्रैश कैन में डाल देते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी कैरेट लेंगे और हमने उसको ना जूलियन काटना है. जूलियन इज़ अ शेफ टर्म जो कोई भी चीज़ आपने स्ट्रेट काट, लाइक जिसको हम वैसे कहते हैं कि मैच स्टिक्स. ठीक है ना, उसके लिए हम इसको डायगनल काटेंगे. जब कैरेट जो है ना कोल्सलॉ में एक तो ये एक अच्छा कलर भी देगी और ऑब्वियसली एक अच्छा टेस्ट भी देगी. आपको उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब हम अपनी कैरेट्स लेंगे. ठीक है, तो जस्ट लाइन देम अप एंड विल स्टार्ट कटिंग देम. इसे कहते हैं जूलियन और मैचस्टिक्स. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द शेफ्स टर्म तो आप मैचस्टिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कई रेसिपीज में मैचस्टिक भी लिखा होता है, बट एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड द जूलियन कट. हमारी जो कैरेट है वो कट चुकी है. ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इस बोल में जिसमें हम अपनी कोल्सलॉ जो है वो मिक्स करेंगे. ठीक है, अब चलते हैं हमारी कैबेज की तरफ. ठीक है ना, इसको हम हाफ से स्लाइस कर लेंगे. ठीक है, ओह दैट्स अ नाइस कैबेज. ठीक है, हम बेशक आप टिप काट लें, बेशक ना काटें. ठीक है, इतनी कैबेज जो है वो काफ़ी होगी. ठीक है, हम इसको भी इस बाउल में डाल देते हैं. ये हम डिस्कार्ड कर देते हैं थोड़ी सी. तो हम लेंगे हमारी पर्पल कैबेज. ठीक है, ये एंड हम डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है,
think that would be enough cabbage. ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं. इसको भी डाल देते हैं अपने मिक्सिंग बोल में. ठीक है, ओके. अब हम ले लेते हैं हमारा एप्पल. ठीक है, अच्छा ये है एक एप्पल कोरर, और कोई भी कुछ निकालने के लिए ना, इट्स एक्चुअली अ वेरी यूजफुल टूल. ठीक है ना, जस्ट ट्विस्ट इट. ठीक है ना, जो आपके जो सीड्स हैं ना सारे, सो यू कैन जस्ट डिस्कास द सीड्स. अगर आपको नज़र आते हैं कि कुछ और सीड्स हैं, तो जस्ट ट्विस्ट इट, वो सब कुछ निकल आएगा. ये हमारा एप्पल जो है, अब हम इसको स्लाइसेस करने हैं, हम साइड पर रख देते हैं. क्योंकि हमने इसको भी जूलियन काटना है, तो इसको आप स्ट्रेट काटें, ताकि यू कैन कट देम इन मैच स्टिक्स और जूलियंस. ठीक है, ये इसका टिप काट देते हैं. आई थिंक दैट मच एप्पल वुड बी इनफ. हम इनको पाइल अप कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, आपको इसकी स्किन उतारने की जरूरत नहीं है. स्किन एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर, और वो आपको इतने से एप्पल्स में कुछ नहीं कहेगी. ठीक है, ये हमारे एप्पल्स भी जो है ये ठीक है. ठीक है, ये बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. ठीक है, इसको अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारी अभी हम डालने इसमें म्यूनिस. ठीक है, इसमें म्यूनिस डाल लेते हैं. अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्रीमिनेस डाल चाहते हैं, तो आप थोड़ी ज़्यादा म्यूनिस भी डाल सकते हैं. थोड़ी सी आइसिंग शुगर, ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छी हल्की सी स्वीटनेस देगी. ठीक है, हल्का सा सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है वो स्वीटनेस को बैलेंस करेगा. सो लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट वुड बी इनफ, एंड ऑब्वियसली द रेजन्स. हम कुछ रीजन्स ले लेते हैं, कुछ रीजन डाल देते हैं इसके अंदर. ठीक है, एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू मिक्स इट. ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं. आप ये सब हाथ से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू एक्चुअली. और जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा मेयोनीज कम है, मेयोनीज ज़्यादा हो गई, तो वो एक मसला है. अगर कम है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं. तो शुरू में एकदम से बहुत ज़्यादा मेयोनीज ना डाल दें, कम डालें. अगर आपको लगता है कम है, तो थोड़ी और डाल दें. बट मैं थोड़े प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ी कम ही डालूँ, क्योंकि मतलब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीब क्रीमीनेस जो होती है ना, तो फिर वेजिटेबल का जो टेस्ट होती है ना, जस्ट टेक्स दैट अवे, एंड आई वुड हिट दैट एक्चुअली. ओके, ठीक है, तो ये हमारी कोल्सलो जो है ये मिक्स हो चुकी है, और मेरे लिए दैट्स मोर देन इनफ मेयोनीज फॉर दिस डिश. अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ इसको एक जो हमारा सर्विंग बोल है, हम अपना सर्विंग बोल ले लेते हैं, और हम इसको अपने सर्विंग बोल में डाल लेते हैं. और बाकी का जो है ना, जस्ट मैं फुल देसी तरीका इस्तेमाल करूँगा. ये हो गया हमारा देसी तरीका. ठीक है, हमारी कोसा रेडी है. जस्ट जो हमारे पास बाकी थोड़े से रेजन बचे थे, वो एज अ गार्निश आप उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं. और एज यू कैन सी, तो ये थी हमारी कोल्सलॉ. ठीक है, अगर आप हमें कोई फीडबैक, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई डिश है जो आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे. हमें ईमेल करें @thelockdownchef@ltnworld.com, और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो करें. हमारा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ LTN फैमिली, हमें वहाँ पे सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं वो आप देख सकें, उनकी वीडियोस देख सकें और हमें फॉलो कर सकें. और इसी के साथ साथ ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड इट. हम कल मिलेंगे इसी टाइम इसी जगह. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.